जिला यमुनानगर से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एक किसान परिवार के बेटे यानी कि गुरुदेव दादूपुर यमुनानगर के बलाचोर गांव में पहुंचे थे, जहां पर लोगों के साथ जनसंवाद करते नजर आए। एक बार गुरुदेव जी से हम जान लेते हैं कि जनता का कितना प्यार और समर्थन इन्हें मिल रहा है। और यमुनानगर की अगर हम बात करें तो और भी कांग्रेस प्रत्याशी अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, लेकिन देखते हैं यमुनानगर की जनता किस उम्मीदवार के सर पर जीत का सहरा सजाती है। सबसे पहले गुरुदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुरुदेव सर, सबसे पहले फिर से आपका नमस्कार और स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। धन्यवाद, मैं सिटी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है जी। गुरुदेव जी बलाचोर गांव में पहुँचे हैं, जनसंवाद लगातार जारी है, किस तरह का लोगों का समर्थन मिलता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं मेरा गुवांडी गाँव है बलाचोर, और मैं यहाँ शुरू से आता जाता हूँ, मेरे को बहुत प्यार मिला है। और आज जो मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान साथियों ने, इस गाँव ने मेरे को प्यार दिया है, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। अगर पार्टी ने मेरे को मौका दिया तो मैं इस गांव में जीत कर आऊँगा, और यहां पे काम भी होंगे, जो मेरे को यहां के कुछ लोगों ने काम बताए हैं, यहां पेंडिंग काम है, मैं उनको पूरा करूंगा, मैं इनसे वादा करके जाता हूं ये बात। लेकिन गुरुदेव जी, ऐसे में हम देख रहे हैं कि और भी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं या जो और पार्टीज हैं उनके जो प्रत्याशी हैं, वो इसी तरह से गाँव के अंदर आकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, घोषणाएँ कर रहे हैं। अगर हाईकमान आपको मौका देती है तो आज जनता से आप जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या लगता है उन वादों को पूरा कर पाएंगे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है बनने से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएँ की जाती है, लेकिन बनने के बाद कोई होता है जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है, क्या लगता है सेवा करेंगे आप जनता की? देखिए, मेरे से पहले भी कांग्रेस पार्टी में बहुत यहाँ पे विधायक बन के आए हैं, और वो हर गांव में आए होंगे यहाँ पे, पर मैं पहली बार, पिछली बार भी टिकट मांगा था, अब की बार टिकट मांगा है। अगर मेरे को हाईकमान ने टिकट दिया, मौका दिया है, तो अपने हलके की सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा, और मैं इन गाँव से वादा करता हूँ। देखो, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे को पता है यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। एक किसान का बेटी किसान की बात समझ सकता है, अपने मजदूर की बात समझ सकता है, तो इन समस्याओं को मेरे ऐसा है जी, मेरे का है ना शुरू से जुनून आए, मैं मेरे को शुरू से जुनून आया। अगर मेरे को यहाँ से विधानसभा से टिकट मिलता है तो मैं अपने हलके को वो चीज़ बनाना चाहता हूँ, जो वो कहते हैं ना जी आज वहाँ काम हुए हैं, उधर उस एरिया में काम हुए हैं, तो मैं अपने हलके का वो वजूद रखूँगा कि मेरे को दोबारा यहाँ वोट मांगने ना पड़े, मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ अपने हलके में। बीजेपी को मार देना इतना आसान होगा? बीजेपी तो अब की बार जमुना पार है जी। ऐसा क्यों, इतना विश्वास कैसे, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? विश्वास तो आप ऐसे ले लो, पीछे लोकसभा इलेक्शन में मेरे सारे हलके ने दिखा दिया है, और मेरे बलाचोर के जितने भी यहाँ पे नौजवान साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, यहाँ से भारी मतों से वरुण जी को जिताया है, और आने वाले 2 महीने के इलेक्शन में विधानसभा में भी इससे ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दोबारा सीएम बनेंगे, और हमारा हरियाणा भी नंबर 1 बनेगा। गुरुदेव जी, लास्ट में मेरे चैनल पर यमुनानगर की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? विधानसभा चुनावों का बिगुल कभी भी बज सकता है, ऐसे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश आपकी ओर से? देखिए, मैं अपने हल्का यमुनानगर से सबको यही कहना चाहूँगा कि 2 महीने इलेक्शन रह गए हैं, और अब ये मेरे ख्याल दोबारा वोट बनेगी, जो 90 मेरे नौजवान साथी हैं 18 साल जिनकी उम्र हो गई है, वो अपनी वोट बनवाएं, और अपने वोट का अधिकार, आपका वोट का अधिकार है, उसको बनवाएं, और कांग्रेस पार्टी के टिकट, कांग्रेस पार्टी को वोट देकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सीएम बनाएं, और अपने बच्चों और अपने हरियाणा को सुरक्षित रखें, क्यों आज यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपको सब पता है कि कांग्रेस पार्टी में हुड्डा साहब के राज में ही हरियाणा नंबर 1 था, और दोबारा वही होगा। बोल लीजिए आप, गुरुदेव जी ने तो बहुत सी उम्मीदें लगा ली हैं आप लोगों से। गुरुदेव जी ने जो बात कही बड़ी अच्छी कही, गाँव के पास का है, अब पीछे इलेक्शन हुआ था एमपी का, 1200-1250 कांग्रेस को वोट पड़ी, इन्हें जो ये बात कही भी टिकट चाहे मेरे को तो मिलेगा, अगर खुदा ना खास्ता किसी और को मिल जाएगा तो कांग्रेस को ही वोट पानी चाहे टिकट क्यों मिलती। लेकिन सरदार जी, बीजेपी तो नारा लगा रही है हरियाणा के घर घर के अंदर कमल के फूल को लाने का, नारे तो हाँ। क्या लगता है, हो सकता है कमल का फूल ही खिल जाए दोबारा? कई बार ऐसा है ना कि बरसात में खराब भी हो जाता है ना, कई बार खुशकी चल रही, जैसे सरकार बदलनी चाहिए, जितने दिन ज्यादा दिन सरकार गद्दी पे बैठेगा ना उतने ही डाका मारेगा, उतने खाएगा। क्या लगता है इस बार एक किसान को मौका मिलेगा मेरे जनता की सेवा करने का, क्योंकि अभी तक तो कभी कोई किसान आगे नहीं आया? किसान भी आगे हैं, मजदूर भी आगे हैं, अगर मजदूर, किसान को ही पता मजदूर क्या है, अगर मजदूर काम करेगा किसान खाएगा, किसान के खेत में होगा मजदूर खाएगा, दोनों रल के आपस में, तब पार्टी को, उसको बीजेपी को हराएंगे। अगर एक उधर चल गया, एक उधर चल गया, फिर तो कुछ नहीं बना था। बहुत बहुत धन्यवाद।